दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है टेम्परवरी लॉक हो चुका तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो यहाँ पर टेम्परवरी लॉक हो चुका और यहाँ पर मैं जो कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो कुछ टाइम वेट करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आपका भी जो इंस्टाग्राम अकाउंट टेम्परवरी लॉक हो चुका और आप जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले रीज़न जान लेते हैं कि यहाँ पर जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो टेम्परवरी लॉक क्यों होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो टेम्परवरी लॉक क्यों होता है। ठीक है, तो कई बार कहते हैं हम कुछ अनदर एप्लीकेशन में जो अपना इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, या तो कुछ ऐसे वेबसाइट पर हम अपना इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन कर लेते हैं जहाँ से हम फॉलोअर वगैरह बढ़ा सकें, ठीक है, तभी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है टेम्परवरी लॉक हो चुका, ठीक है, और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले कुछ टाइम वेट कर लीजिए, ठीक है, और दोबारा से आप जो है यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं होता। अगर आपके यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर आपको जो अपने फोन में कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना, आपके फोन में जो भी ब्राउजर है आप उसको यहाँ पर ओपन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली सर्च बार पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जो है टाइप करके सर्च कीजिए www.instagram.com। आपको इतना टाइप करके सर्च करना है www.instagram.com। अब जैसे आप इतना टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करना, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका आईडी है उसको आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना। आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर यूजर नाम और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना। और अगर आपने अपना इंस्टाग्राम आईडी जो फेसबुक से कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर आप जो फेसबुक के थ्रू भी अपना इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो कर जाएगा और यहाँ पर सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जो भी आपका इंस्टाग्राम आईडी में जो ईमेल आईडी रजिस्टर होगा वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपका इंस्टाग्राम आईडी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको सेंड कन्फर्मेशन कोड पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर कोड आएगा तो यहाँ पर आपको कोड को टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको जो कन्फर्म पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो एक न्यू पासवर्ड टाइप करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड टाइप कर देना। अब यहाँ पर मैंने एक नया पासवर्ड टाइप कर दिया और दोबारा आपको वही पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है इस वाले बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका प्रॉब्लम था आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका, ठीक है। और दोबारा से अगर आप इंस्टाग्राम ऐप में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बार जो इंस्टाग्राम ऐप को आपको बैकग्राउंड से हटा देना और दोबारा से आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोबारा से उसी आईडी को लॉगिन कर लिया और यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।